इंडिया की तीन बेस्ट VFX एंड CGI वाली मूवीज पार्ट 4 और नंबर 1 वाली मूवी ने तो सिर्फ 18 करोड़ के बजट में वो अमेजिंग VFX दिया है जो आजकल की मूवीज 500 करोड़ में भी नहीं दे पाती। तू समझा? हाँ। नंबर 3 आई। इस मूवी ने 2015 के टाइम पर पहले तो अपनी अमेजिंग ओरिजिनल स्टोरी और उसके बाद अपने काबिले तारीफ VFX से पब्लिक को अपना दीवाना बना दिया और वो इशकतारी गाने में बाइक से एमी जैक्सन का ट्रांसफॉर्मेशन वाला VFX उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। नंबर 2 अटैक पार्ट 1। इस साल रिलीज हुई एक्शन साइफाई जॉनर के अटैक मूवी में VFX का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे लेवल पर हुआ है। जॉन अब्राहम सर का रोबोकॉप में ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर POV एक्शन फाइट सीन्स तक सबके विजुअल्स काबिले तारीफ थे। एक डिसेंट सी साइंस फिक्शन मूवी लेकिन अच्छे एक्शन सीन्स के साथ देखना चाहते हो तो अटैक पार्ट 1 जरूर देखना। नंबर 1 पर आती है सुपर हीरो ओरिजिन मूवी मिन्नत मुरली। इस फिल्म ने अपने 18 से 20 करोड़ के बजट में हमें उस लेवल का काम करके दिया है कि जिसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बेस्ट सुपर हीरो ओरिजिन से लेकर बेस्ट VFX एंड CGI तक इस फिल्म में हमें सब कुछ देखने को मिलता है।